रोड में कपड़े रखते हैं उनके प्राइस क्या कैसा प्राइस फोटो भी आज ये प्रोविंस से मिल रहे हैं 400 रुपए तक की मिल जाएगी। तो हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अभी बजे हैं सुबह के 9। तो आज हमारा प्लान है एमपी नगर जाने का। जो ठंडी के कपड़े रहते जैकेट वैकेट रहते उनका प्राइस बताने का। तो जैकेट का प्राइस आप लोग बताएंगे और मुझे दो तीन काम है। मुझे अपने फोन पे ग्लास गार्ड लगवाना है और अपना कैमरा ठीक करवाना है, क्योंकि हम लोग कुछ दिनों में बाहर जाने वाले ब्लॉगिंग करने, तो कैमरे से करेंगे कि फोन में उतना स्टोरेज नहीं है तो फोन से नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं नहा हुआ के रेडी होता हूँ, उसके बाद आप लोगों से वापस मिलता हूँ। तो हेलो, मैं यहाँ से पूछ रेडी, फटाफट चलते विजय भाई को पिक करते, उसके बाद निकलते और आशीर्वाद सागर भी मिलने वाला है। चलो पहले निकलते हेलो हम घर से निकल चुके मित्रा भाई को, क्या देखो सागर भाई से निकलते। तो हमारा भाई आ चुका है और मैं भी रेडी हो चुका हूँ। आज ये कितने कपड़े का प्राइस होता है जो ही बता रहे हैं। चलो चलो चलते निकलते हैं फटाफट। चलो यही से कपड़े देखना छांटना है और सही प्राइस मिल जाएगा, ले लेंगे हम। आजकल क्या जो रोड में कपड़े रखते उनके प्राइस बताते वही खरीदते हैं, क्योंकि वही सस्ते पड़ते हैं। अगर कंपनी में जाएंगे भाई महंगे पड़ जाते हैं। चलो इन्हीं की दिखाते अच्छे से आप लोगों को। बाकी लेते विजय पहन के देख रहा है, देखे उसके बाद हो सके ले भी लूंगा, अगर प्राइस सही मिला तो ले लेंगे, नहीं मिला तो बस वीडियो बना के जाएंगे। चलो देख लो पहले भाई विजय तेरे को अच्छी लगेगी ये सब ले ले। हाँ ये टिकटॉकर वाली कहाँ गई, ये टिकटॉकर वाली उठान, टिकटॉकर वाली पकड़ना। हाँ भैया पकड़, ये है टिकटॉकर वाली, ये आ जाएगी पर चौड़ी बहुत होगी भाई तेरे अंदर, चेक कर पहन के देख। पहनने के बाद वो लगती है, पहन के देख। और प्राइस कम से कम क्या 400 रुपये प्राइस होगा ना, कितना प्राइस 200। देखो भैया 200 रुपये प्राइस देगा पंडित इसका, पहन के देखे चेक करते फिर देखते क्या कैसा है। पहन के देखो पहले तो सही तो आ रहा, कैप पहन उसका, कैप पहन कैप पहन, ये फोटो खींचे सही आ रहा सही आ रहा। इसको ट्राई करने वाला हूँ मेरे कैसी लगती है, अगर अच्छी लगेगी तो हो सके चेक कर सकता हूँ मैं, ट्राई करके देखता हूँ मैं पहले इसको। चलो देखो भाई ये पहन ले आऊँ, ये कैसी लग रही मुझे पता नहीं। अगर मेरे भाई तो फोटो क्लिक कराता हूँ, अगर सही लगेगी तो हो सके ले लेंगे, पर थोड़ी बड़ी लग रही मेरे को, पर देखते हैं कैसी लगेगी भाई। अभी देखो मैं तो ले लूँ, क्योंकि मित्र लोग सब लोग बोल रहे अच्छी लग रही है, मैंने फोटो भी खींचा, फोटो भी अच्छी लग रही है। चलो देखते ले लेते हैं, अगर सही प्राइस अंकल ने लगा दिया तो चलो बात करते पहले उनसे, बार्गेनिंग करते बोले तो ले रहे हैं। देखते हैं ये मेरे ज्यादा टाइट लग रही है, लेते ही नहीं लेते वो आप लोग वहाँ से पता चलेगा। देखो अभी ऐसी बात है कि अंकल रेट सही नहीं लगा रहे, क्योंकि अंकल बोल रहे 600 रुपये, हमारे तो 400 रुपये स्टूडेंट का था, तो हमारा 400 रुपये तक की मिल जाएगी, समझे उसमें आए थे। अब देखते हैं और थोड़ा बहुत बातें करते, अगर लगा दिया तो ले लेंगे, नहीं लगाया तो नहीं लेंगे, पर कपड़े सही अगर आप लोग ले सकते हो ले लेना यहाँ से। ले चुके हैं अंकल ने हमें सही रेट लगा दिया है, अब हम लेके यहाँ से निकलते हैं। अभी हमें बैक कवर भी डलवाना है, बैक कवर डलवाएंगे उसके बाद यहाँ से घर निकलेंगे, और कैमरे का ही पता करना है कैमरा कहाँ बनता है। तो भैया ये देखो ये बंदा शॉपिंग करके आ चुका है, शॉपिंग करके आ चुका है, सारी शॉपिंग हो गई है, महंगी शॉपिंग गई है, पर कपड़े सही थे इसलिए हमने ले लिया है, इसलिए हमने कपड़े सही थे इसके कपड़े सही से ले लिया है। अब यहाँ कहाँ चलते, अब यहाँ क्या करते हैं एमपी नगर चलते हैं, बैग कवर का देखते हैं, बैग कवर वाले लेने के बाद इसको भाई को छोड़ना है 1 बजे तक, और हो सके थोड़ा कैमरा का ही पता करना है, अगर मिल जाएगा जगह पता कर लेंगे। चलो पहले यहाँ से चलते हैं। तो भाई लोग अभी हम तो आ चुके हैं एमपी नगर, और विजय कर रहे वेट, क्या पता कहाँ चला गया साला,
गाड़ी पार्किंग लगाने के भेजा था, क्या पता कहाँ निकल गया। फिर उसके बाद चलते अंदर ग्लास जॉट लेंगे, लगवाएंगे उसको। पहले धूड़े हमारा मेन टैक्स धूड़ना है उसे। लो भाई हमने बैग कवर ले लिया है, वो अपनी बाइक उठाते हैं यहाँ से, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। पार्किंग में बाइक लगती थी, चलो आ जाओ। अब चलते हैं अपन, कहाँ जाएंगे भाई? मोहन भाई जाएंगे कुछ खाने पीने। तो बैग कवर सही लग रहा है, सेक्सी लग रहा है। अभी कांच में दिखेगा बैग कवर इन लोगों का ना, जैसे मेरी फेस में दिख रही है। कोई नहीं, अब पता चल जाएगा ब्लॉगिंग कैसे हो रही है ना। चलो चलते मोहन भाई से। फाइव स्टार होटल में आ चुके हैं, अब फाइव स्टार होटल में हम खाएंगे खाना। मिश्रा भाई बैठे एकदम रेडी फाइव स्टार होटल में खाना खाने के लिए। अपना खाने को दे चुके हैं, फटाफट में बेटर लोग आने वाले, खाना देखने आने वाले हैं। चलो खाते हैं, आप लोग वापस मिलते हैं। तो भाई हम लोग फाइव स्टार होटल से खाना खा के आ चुके हैं, तो हम जा रहे घर। मिश्रा भाई को साकेत नगर से छोड़ते हैं, साकेत नगर छोड़े तो उसके बाद हम घर जाएंगे। चलो पहले घर चलते हैं, आए तो साकेत नगर छोड़ेंगे, पहले घर चलेंगे उसके बाद साकेत नगर छोड़ेंगे इसे। चलो और ड्राइवर साहब ये है, ड्राइवर साहब एकदम लाल पीले हो रहे हैं। फाइव स्टार होने पर कैसा लग रहा है तुम्हें खाने के बाद? मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। कितने फाइव स्टार खाने के बाद अलग ही ऐसा खाना खाएगा, अलग ही चीज नहीं खाना है भाई। तो भाई मेरे सोचे थे मेरी आँखें खाने का मज़ा ही अलग है, और आँखें घूम गई। और हम भाई फाइव स्टार होटल में तीन लोग खाने में खा लेते हैं। चलो पहले हमारा खाना आ जाए तभी तो बता पाएंगे। चलो हमारा पार्सल आ चुका है, ये ऊपर जाते हैं अपना ही खाएंगे, उसके बाद आप लोगों से वापस मिलते हैं। तो भाई लोग हमारा काम हो चुका, हम यहाँ बैठ के अपना टाइम पास कर चुके हैं, हम सब जा रहे हैं घर। तो मैं सोचता हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो भाई सबको बाय बाय। चलो बाय बाय।